हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सर्किल में एक्सरसाइज 11.1 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, और उनमें जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे वो सर्किल का इक्वेशन फाइंड करने वाले क्वेश्चन सॉल्व किए थे। सेंटर गिवन होगा, रेडियस गिवन होगा, सर्किल का इक्वेशन कैसे फाइंड किया। अब जो क्वेश्चन रिमेनिंग रह गए थे उनको सॉल्व करना सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए। क्वेश्चन नंबर सिक्स में हमें फाइंड करना है, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्किल। तो एक्स प्लस फाइव का होल स्क्वायर प्लस फाइव माइनस थ्री का होल स्क्वायर इक्वल टू 36। जब सर्किल का इक्वेशन इस फॉर्मेट में हो तो सर्किल का इक्वेशन फाइंड करने के लिए जो हम कंडीशन अप्लाई करते थे उसका फॉर्मेट सेम ऐसा ही होता था, और इस फॉर्म में तो उसको सॉल्व नहीं करोगे। इस फॉर्म को इसी फॉर्मेट के सर्किल के इक्वेशन फाइंड करने के साथ कंपेयर कर लेंगे। तो जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन, इसी फॉर्मेट में सर्किल का इक्वेशन फाइंड करने का फॉर्मूला होता है, तो इसको उस फॉर्मूले से कंपेयर करेंगे। तो क्या होता है फॉर्मूला, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये सर्किल का इक्वेशन फाइंड करने का फॉर्मूला होता है। जब इस फॉर्मेट में सर्किल का इक्वेशन गिवन होता है तो इसी फॉर्मेट से हम कंपेयर कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, कंपेयर करो तो इधर पर 5 है, इधर पर माइनस है, तो a की वैल्यू माइनस 5 होगी, इधर b की वैल्यू 3 होगी, और r इक्वल टू 6 हो जाएगा, क्योंकि r स्क्वायर इक्वल टू एक काम करते हैं, r स्क्वायर इक्वल टू 36, तो r की वैल्यू 6। तो ये तो हो गया रेडियस, और ये हो गया सेंटर। तो सेंटर क्या लेते थे, a कॉमा b लेते थे ना, इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग a कॉमा b, इधर a माइनस 5 कॉमा b, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट, और सर्किल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, इस फॉर्मेट में सर्किल का इक्वेशन के मेरे, जैसे देखिए सेवेंथ क्वेश्चन में सर्किल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 4x माइनस 8y माइनस 45 इक्वल टू। अब ये सर्किल का स्टैंडर्ड फॉर्म है माइनस 45। तो जब सर्किल का स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन गिवन है तो उसे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। कंपेयर करो तो 2g इक्वल टू माइनस 4, 2f इक्वल टू माइनस 8 और c इक्वल टू माइनस 45। तो g की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस 2, f कितना आएगा माइनस 4 और c कितना है माइनस 45। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट फाइंड करने का फॉर्मूला माइनस g कॉमा माइनस f, तो कितना आएगा 2, 4। और रेडियस फाइंड करने की कंडीशन क्या बताई थी, r इक्वल टू रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो आर इक्वल टू रूट ओवर जी स्क्वायर मतलब माइनस 2 का स्क्वायर 4, माइनस 4 का स्क्वायर 16, इधर पर प्लस 45। तो कितना आएगा, आर इक्वल टू रूट 65। समझ में आ गया, यदि सर्किल का इक्वेशन जिस फॉर्म में गिवन होगा उसी फॉर्म के साथ हम कंपेयर करके सेंटर और रेडियस को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10y माइनस 12 इक्वल टू, इसे भी कंपेयर करो माइनस 12 इक्वल टू, कंपेयर करो स्टैंडर्ड फॉर्म से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy
प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो टू जी इक्वल टू माइनस एट, टू एफ इक्वल टू टेन और c इक्वल टू माइनस ट्वेल्व। तो g की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का फोर, f कितना आएगा फाइव और g तो माइनस ट्वेल्व। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, माइनस जी कॉमा माइनस एफ। तो इधर आएगा प्लस का फोर और माइनस का फाइव। और रेडियस फाइंड करने का फॉर्मूला आर इक्वल टू रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो आर इक्वल टू रूट ओवर जी स्क्वायर मतलब माइनस फोर का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25 और माइनस माइनस प्लस आर इक्वल टू कितना आएगा, आर आएगा आपका इधर पर ऐड करो तो 25 प्लस 16 कितना होगा 41 और 41 में 12 ऐड कर दो तो 53। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर और माइनस x इक्वल टू। तो हमने क्या बताया था, सर्किट का इक्वेशन फाइंड करने के लिए, सॉरी सर्किल का सेंटर और रेडियस फाइंड करने के लिए जो सर्किल का इक्वेशन गिवन है उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट वन। तो टू का डिवाइड कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1/2 एक्स। अब कंपेयर करो तो सर्किल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू जीरो। तो यहां पर y वाला टर्म तो है नहीं, तो x का जो कोफिशिएंट है 2g इक्वल टू माइनस 1/2 और 2f इक्वल टू जीरो और c की वैल्यू जीरो। तो g इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस 1/4, f कितना आएगा जीरो और c कितना होगा जीरो। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट माइनस जी कॉमा माइनस एफ, तो इधर आएगा 1/4 कॉमा जीरो और रेडियस आर इक्वल टू रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो आर इक्वल टू जी स्क्वायर मीन्स माइनस 1/4 का स्क्वायर तो 1/16 प्लस जीरो माइनस जीरो, तो इधर आर आएगा रूट ओवर 1/16, तो आर की वैल्यू 1/4। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, लास्ट लेक्चर में आपके सर्किल का इक्वेशन फाइंड करने के कुछ क्वेश्चन 4 और 5 हमने कहा था सॉल्व करना है खुद से, आप लोगों ने किया, 4 कर लिया होगा, 5 हम बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में सेंटर क्या है, माइनस ए कॉमा माइनस बी और रेडियस क्या है, रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें रेडियस रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गिवन है, ध्यान रखना। तो यहां सर्किल का इक्वेशन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, तो रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का इधर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2by इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर इधर आके ऐड हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax
प्लस टू डी वाई और प्लस टू डी स्क्वायर। समझ में आ गया? एक और क्वेश्चन कर लीजिए सॉल्व, क्वेश्चन नंबर फोर। क्यों बोल रहे हैं? क्वेश्चन नंबर फोर में सेंटर क्या है? 1.1 और रेडियस क्या है? √2। तो सर्किल का इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे? एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, इट मीन्स √2 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करो तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन माइनस टू वाई, √2 का स्क्वायर टू। इधर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस टू वाई प्लस टू इक्वल टू टू, टू से टू कैंसिल हो गया। इधर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस टू वाई। तो ये हो गया सर्किल का इक्वेशन। तो हम लोगों ने आज की क्लास में जो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और लास्ट लेक्चर में सर्किल का इक्वेशन फाइंड करने के जो क्वेश्चन नंबर फोर और फाइव रह गए थे वो भी हमने सॉल्व कर लिए। और सर्किल का इक्वेशन जब गिवन होता है तो सर्किल का सेंटर और रेडियस कैसे फाइंड करते हैं उसके भी कुछ क्वेश्चन आज की क्लास में हमने सीखे। तो जितने भी सर्किल के क्वेश्चन हो चुके हैं उनको आप लोग एक बार अच्छे से देखेंगे फिर खुद से सॉल्व करेंगे।